जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता, आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ भगवान विष्णु के हंस अवतार के बारे में। जानिए भगवान विष्णु को इस रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा, जानिए भगवान हंस के अवतार की कथा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। सनातन धर्म में जब भी धर्म की हानि हुई है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक रूप हंस कहलाता है। भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों में 20वां अवतार हंस नारायण कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन भगवान विष्णु हंस रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन को हंस अवतार जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका अवतार प्रयागराज तीर्थ में हुआ, जो वर्तमान में हंसकूप तीर्थ के नाम से विख्यात है। ये बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसलिए भक्त ज्ञान प्राप्ति के लिए हंस जयंती पर इनकी विशेष पूजा करते हैं। आइए जानते हैं भगवान हंस के अवतार की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि मैंने ही कृत युग में हंस के रूप में अवतार लेकर प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिक को ज्ञान दिया और उनका उद्धार किया। एक बार लोक पितामह ब्रह्मा जी अपनी दिव्य सभा में बैठे थे, तभी उनके मानस पुत्र सनकादि चारों कुमार दिगंबर वेश में वहां आए और पिता को प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर आसनों पर बैठ गए। उन अत्यंत तेजस्वी चारों कुमारों को देखकर सभा में उपस्थित जन मौन हो गए। सनकादि कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, पिताजी, शब्द स्पर्श आदि विषय सांसारिक भोग मन में प्रवेश करते हैं या मन विषयों में प्रवेश करता है, इनका परस्पर आकर्षण है, इस मन को विषयों से अलग कैसे करें? मोक्ष चाहने वाला अपना मन विषयों सांसारिक भोग विलास से कैसे हटा सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त कर यदि मोक्ष की सिद्धि नहीं की गई, तो संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तभी ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर न दे सके, तब भगवान विष्णु हंस का अवतार लेकर सभा में पधारे। उस अलौकिक हंस को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने महाहंस की पाद्य आद्य आदि से पूजा कर सुंदर आसन पर बिठाया। सनकादि कुमारों ने उस परम तेजस्वी महाहंस से पूछा, शुवाप कौन है? भगवान हंस ने विचित्र उत्तर देते हुए कहा, मैं इसका क्या उत्तर दूं? इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। यदि इस पांच भौतिक शरीर को आप लोग आप कहते हैं, तो सबके शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं। जैसे सारे आभूषण एक सोने से बने होते हैं और सारे बर्तन एक ही मिट्टी से बने होते हैं, पंचभूत पृथ्वी वायु जल तेज और आकाश से रस रक्त मेदा मज्जा अस्थि और शुक्र बनता है, जिससे शरीर का निर्माण होता है। तो देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी के शरीर पांच भौतिक होने के कारण एक रूप है। जीव तो केवल मेरा स्वरूप है। यह मन विषयों का चिंतन करते करते विषयाकार सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाता है और विषय मन में प्रवेश कर जाते हैं। ये बात सत्य है, किंतु आत्मा का मन और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। भगवान हंस नारायण ने उपदेश किया कि पहले मन विषयों में जाकर विषयाकार बनता है, उसके बाद विषयाकार मन में विषय स्थिर हो जाते हैं। अब आप लोग ही सोचे और निर्णय करें कि मन विषयों में जाता है या विषय मन में आते हैं। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा सरलता से समझ लीजिए। अब समस्या यह है कि विषय से मन को अलग कैसे करें? भगवान हंस कहते हैं, इसका समाधान है कि मन और विषय पर डालो मिट्टी और मेरे साथ मिल जाओ। मन में निवास करने वाला संसार बहुत रुलाता है। तुम अपने मन से संसार को निकाल डालना और मन को संभाल कर रखना। सारे गुण मुझ निर्गुण का ही भजन करते हैं। जैसे कोई बच्चा हाथ में खिलौना लिए माँ की गोदी में बैठकर रो रहा हो तो माँ उससे कहती है, बेटा ये खिलौना फेंक दे और मेरी गोदी में बैठ। वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि अरे आत्मा, तू मन और विषय के खिलौनों को फेंक दे तथा मुझसे एक हो जा, क्योंकि आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। बाकी सब स्वप्न की तरह झूठ है। सब कुछ मन का ही खेल है और वह बहुत चंचल है। शरीर प्रारब्ध के अनुसार रहता है और उसमें प्राण चलते हैं, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष कभी इस शरीर को मैं नहीं कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। हंस रूप भगवान के उत्तर से सनकादि कुमारों का संदेह दूर हो गया और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया।
सभी ने भगवान की स्तुति की और देखते ही देखते भगवान अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु का ये अवतार हंस नारायण कहलाया। बोलिए श्री हंस अवतारी भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो दोस्तों ये थी भगवान विष्णु के अवतार हंस की जानकारी। ऐसे अधिक धार्मिक वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं तीर्थों प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय माँ काली, हर हर महादेव।